हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के इस स्पेशल वीडियो में। और ये छोटा सा वीडियो है खास उन व्यूवर्स के लिए जिनके पास में फॉक्सवैगन की कार है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है। वैसे जिनके पास में कार है वो मैनुअल अगर पढ़ें तो उनको बहुत आसानी से पता चल सकती है, पर चूंकि ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऑल ऑफ सडन होती हैं, आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो उसी के रिगार्ड्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि फॉक्सवैगन पसार्ड में आप किस तरीके से जो हैंड ब्रेक है वो रिलीज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई हैंड ब्रेक नहीं दिया हुआ है, ये चिल्ड बॉक्स है और यहाँ पर आपका ग्लास होल्डर दिया हुआ है और यहाँ पर आपका गियर लीवर है और यहाँ कहीं भी आपको हैंड ब्रेक नहीं दिखाई देगा, जबकि जो साइन है वो हैंड ब्रेक का यहाँ पर कंटिन्यूसली शो हो रहा है। प्रॉब्लम ये आती है कि अब जैसे कई बार आपको मौका मिला, ऑफकोर्स क्योंकि इंसानी नेचर है तो हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा अच्छी और अच्छी लग्जरी गाड़ी में बैठें, तो कई बार हमें मौका मिलता है। तो आज मुझे मौका मिला पसार्ड को चलाने का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास में चाबी थी, गाड़ी थी, लेकिन चालू होने के बाद भी मैं बार बार इसका जो हैंड ब्रेक है उसको रिलीज नहीं कर पा रहा था। तो उसका कारण ये था क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दिया हुआ है और इसका कुछ प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नीचे लीवर दिए हुए हैं, ये अपना एक्सेलेटर है और ये क्लच, ये ब्रेक। तो हैंड ब्रेक रिलीज करने के लिए जो सबसे पहली स्टेप है वो है कि आपको ब्रेक यहाँ पुश करना होगा और चाबी आपकी, क्योंकि ये कीलेस एंट्री है, इस तरीके से निकालना है हमें, की नहीं है इसमें, यहाँ इसको लगाना है तो जो डैशबोर्ड है वो चालू हो जाएगा और उसके बाद में आपको फिर ये पुश करना है। तो जैसे ही आप पुश करेंगे तो ये लाइट ऑफ होगी और आपका जो ब्रेक पैडल है वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठेगा। मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से करके, जैसे मैंने अभी ये ब्रेक जो है अभी हैंड ब्रेक नहीं लगा, मैंने ब्रेक दबा के रखा हुआ है। जैसे ही मैं हैंड ब्रेक का जो बटन है उसको दबाऊंगा, वैसे ही जो मेरा ब्रेक का पैडल है वो नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, ये मैंने दबाया नहीं है, वो अपने आप चला जाता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिस तरीके से ऑयल पंप काम करता है इंजन के थ्रू, वैसे इसमें एक छोटा सा पंप दिया हुआ है जो कि हैंड ब्रेक को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है। और जैसे ही आप हैंड ब्रेक, अब जैसे आपने ब्रेक हटा दिया तो गाड़ी जो है मूवेबल नहीं है, स्टेबल हो जाएगी। और अब अगर आपको बाय चांस हैंड ब्रेक हटाना है तो आप अगर बिना ब्रेक दबाए इसको दबाएंगे तो हैंड ब्रेक काम नहीं करेगा। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम इसको दबाएंगे, इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ सिग्नल भी आता है कि पहले ब्रेक पर पैर रखिए, ग्रीन सिग्नल आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है, डिप्रेस द ब्रेक पैडल, यहाँ ऊपर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जब तक ब्रेक नहीं दबाएंगे तब तक रिलीज नहीं होगा। तो जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं वैसे ही ये हट जाता है। तो ये इस तरीके से इसका जो हैंड ब्रेक है वो काम करता है। और ये गाड़ी काफी ज्यादा हाईटेक है क्योंकि फॉक्सवैगन तो ऑटोमोबाइल की माँ है एक तरीके से कहा जाए तो। बड़ी बड़ी कंपनियां BMW और मर्सिडीज इसकी सिस्टर कंपनीज हैं, तो ये तो खैर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होगी। तो गाइज, ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप हैंड ब्रेक ऑपरेट कर सकते हैं फॉक्सवैगन कार के अंदर। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.